हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फिर आपके समक्ष एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ जिसका विषय है भारत का संविधान। भारत का संविधान के अंतर्गत विषय है पार्ट 3। पार्ट 3 तो आप लोगों को पूरी भलीभांति ज्ञात होगा कि पार्ट 3 है क्या। पार्ट 3 है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स में कितने अनुच्छेद हैं बताइए, कितने अनुच्छेद हैं? 12 से 35। अब 12 से 35 जो अनुच्छेद हैं उसमें से आज हम क्या कवर करेंगे? धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आर्टिकल कितने से कितने तक है? 25 से 28 तक है। तो आज हम कवर करेंगे 25 से 28 तक, जो भी दिया गया है 25 से 28 तक उसको हम आज कवर करेंगे। उसके विषय में देखेंगे कि 25 से 28 तक क्या दिया गया है भारत के संविधान के पार्ट 3 में। ठीक है, तो ठीक है, आज का विषय हम शुरू करते हैं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अब देखिए अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण, धर्म के आचरण की स्वतंत्रता और धर्म का प्रचार प्रसार करने करने की स्वतंत्रता। अंतःकरण, धर्म के आचरण की स्वतंत्रता और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। देखिए इस वीडियो का आप लोग कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हम नया वीडियो लेकर आएँ, आप उसको पसंद कीजिए। ठीक है, और इसके विषय में इसके अंतर्गत और क्या लिखा हुआ है और अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए। देखिए फिर से मैं दोहरा देता हूँ, अनुच्छेद 25 अंतःकरण, धर्म के आचरण की स्वतंत्रता और धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। अंतःकरण, ठीक है, इसमें देखिए इसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता निहित है। ठीक है, जिसके तहत व्यक्ति ईश्वर के किसी भी रूप को मान सकता है, ईश्वर के किसी भी रूप को मान सकता है। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू के किसी भी कोई भी है, आपको स्वतंत्रता है, ईश्वर के किसी भी रूप को आप मान सकते हो, आपको स्वतंत्रता है मानने की, कोई आपको मना नहीं कर सकता। इसका प्रचार व प्रसार कर सकता है और यह भी स्वतंत्रता की यदि व्यक्ति चाहे तो नामित नातिक धर्म अंतःकरण को भी मान सकता है, परंतु धर्म के आधार पर ऐसे कार्य नहीं किया जा सकता जिससे समाज प्रभावित हो। ऐसा कोई कार्य आप नहीं करोगे जिससे समाज को कोई दिक्कत हो या फिर वो प्रभावित हो। जैसे छुआछूत, वो आपने देखा ही है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया ही है। मानव दुर्व्यवहार या सामाजिक परिवेश में किसी को कम समझना, ठीक है। अब देखिए इसकी व्याख्या भी है, इसकी व्याख्या, कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। इस संदर्भ में हिंदुओं में सिख, बौद्ध व जैन सम्मिलित हैं, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। जो भी धार्मिक कार्य कोई भी व्यक्ति करता है उसके प्रबंध की स्वतंत्रता है प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी भारत का संविधान के अनुच्छेद 26 कहता है, ठीक है। इसके अंतर्गत किसी भी संप्रदाय को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना एवं उनके पोषण का एवं अपने धर्म विषय कार्यों के प्रबंध करने का अधिकार है। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या दिया गया है, चल व अचल संपत्ति के अर्जन तथा संपत्ति के प्रशासन का अधिकार प्राप्त है। यह व्यक्ति का समूह होना चाहिए जिसका विश्वास तंत्र उनके अनुसार उनकी आत्मिक तुष्टि के अनुकूल हो। इनका एक समान संगठन होना चाहिए, धर्म का एक विशिष्ट नाम होना चाहिए। अब देखिए आर्टिकल 27 क्या कहता है, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संधाएं एकत्रण से स्वतंत्रता। इसके द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों को देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा जिससे किसी भी विशेष धर्म का पोषण होता हो। अब देखिए अनुच्छेद 28 क्या कहता है, धार्मिक शिक्षा में अनुपस्थिति होने से स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा में अनुपस्थिति होने की स्वतंत्रता, ठीक है। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य द्वारा
मान्यता प्राप्त संस्थाओं में लोगों की सहमति से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लोगों की सहमति से। राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थाओं में लोगों की सहमति से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, जो मैंने आपको पहले बताया। अब इसका उदाहरण, जैसे धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में मदरसों, संस्कृत विश्वविद्यालयों विद्यालयों आदि, लेकिन सरकारी निर्देशानुसार उन्हें सरकार द्वारा निर्देशित पाठ्यक्रम पढ़ना भी अनिवार्य होगा। इसमें एक चीज़ और जोड़ी गई है, न्यास ट्रस्ट, न्यास जो है ट्रस्ट जिसको कहते हैं, द्वारा स्थापित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो दोस्तों, आज हमने जो है 25 से 28 तक के आर्टिकल को कवर किया है, और इनमें से ही आने वाले जो परीक्षाएं हैं उसमें प्रश्न बनते हैं और प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको आप पूरी तरह से पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, देख लीजिए, तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।